जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य का विकास से संबंधित यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो सभी लोग आ जाइएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की एक क्लास होती है, जहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो अपन यहां पर हिंदी गद्य का विकास से संबंधित यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वह यहां पर देखते हैं। और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तन्मय जी, सुनीत जी, कल्पना जी, लवली जी, देखिए प्रीति जी, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। वह गद्य कृति आपके लिए बताना है, कौन सी वह गद्य कृति है बताइएगा। सभी लोग चयन करेंगे, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। भाषा योग वशिष्ठ है, भाषा पद्म पुराण है, नासी के तो उपाख्यान है या फिर दृष्टांत सागर है। एक का सही राइट आंसर बताइए। मदन जी, टमाटर जी, क्या होगा सही आंसर? तो किस गद्य कृति का निर्माण जो है पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर नासी के तो उपाख्यान। नासी के तो उपाख्यान आपका जो विकल्प नंबर सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। ये जो गद्य कृति मानी जाती है नासी के तो उपाख्यान, इसका निर्माण जो है पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है आपके लिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है, नहीं आपके लिए चयन करना है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर? नहीं बताना है सिंहासन 32, बेताल 25, सुख सागर या फिर लाल चंद्रिका। कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है बताइए, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है सुख सागर। सुख सागर आपका यहां पर जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर, ये रचना लल्लू लाल जी की नहीं मानी जाती है, सुख सागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था। भाई लेखक आपके लिए बताना है, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सागर जी, ज्योति जी, पूजा जी, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। कौन से वह लेखक थे जिनका जो है संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है, इनका संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, आप सभी का सही आंसर है। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं बताना है आपके लिए, नहीं है सिंहासन 32, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या चंद्रावती। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये जो है शकुंतला नाटक, नाटक काटते हैं, शकुंतला एक रचना है लल्लू लाल जी की, सिंहासन 32 भी है और प्रेम सागर भी है, लेकिन जो चंद्रावती है ये रचना नहीं है, चंद्रावती रचना नहीं है लल्लू लाल जी की, शकुंतला एक रचना है लल्लू लाल जी की। और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है मंजू जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 होगा सही आंसर। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 की पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है, चार विकल्प दिए गए हैं और हाँ बिल्कुल तन्मय जी, तो क्या होगा सही राइट आंसर? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बताने कब हुई थी, सन 1800 में, 1805 में, 1857 या फिर 1900 में। तो आप सभी का सही राइट आंसर है रामेंद्र जी, मायाराम जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 5 में जो यहाँ पर एक दिया गया, सन 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये आपके लिए कमेंट में ये भी बताना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आप सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। सुख सागर के रचनाकार आपके लिए बताना है, सुख सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल है, सदल मिश्र है, बाबू हरिश्चंद्र है या फिर मुंशी सदा सुखलाल न्याज हैं बताइए। तो सुख सागर के रचनाकार आपके लिए चयन करना है,
क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही डी, यानी कि मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुखलाल जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कलकत्ता में बिल्कुल सही पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। और लाल चंद्रिका के रचनाकार आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में सही आंसर चयन कीजिएगा। ये लाल चंद्रिका जो रचना है किनकी रचना मानी जाती है बताइए सुनीत जी, क्या होगा सही राइट आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा पायल जी, सीमा जी, विकल्प नंबर यहाँ पर 7 में। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, लल्लू लाल जी की रचना मानी जाती है कौन सी? लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका ये रचना किनकी मानी जाती है? लल्लू लाल जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? मिश्र बंधुओं ने पूछा है, मिश्र बंधु 3 भाई थे और इनका एक जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, ये पूछा जाता है, ये इन्हीं का ग्रंथ माना जाता है और इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है इंसा अल्लाह खां को, गोरखनाथ को या फिर लल्लू लाल या सदल मिश्र को, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है 8 में, विकल्प नंबर बी यानी कि गोरखनाथ। गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, किनके लिए? गोरखनाथ के लिए, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है कि विकल्प नंबर बी में सही आंसर लगा दीजिएगा। और प्रेम सागर के रचनाकार आपसे पूछा गया है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है बताइए? इंसा अल्लाह खां है या फिर सदल मिश्र है, लल्लू लाल है या फिर बालकृष्ण भट्ट है? 9 में सही आंसर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रेम सागर के रचनाकार बताइए, और आप सभी का सही राइट आंसर है बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जिन्होंने 9 में चयन किया है सी, उनका सही राइट आंसर होगा लल्लू लाल। लल्लू लाल आपका सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या है अनीता जी, क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा गया है, पोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ होगा? ये आपको बताना है, लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रेसन या फिर फादर कॉमिल बुलके या फिर गिलक्राइस्ट? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? तो आप सभी का सही राइट आंसर है, पोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ होगा, और 10 में आपका डी राइट आंसर है, गिलक्राइस्ट आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह आपका सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर जो है चयन किया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि आध्यात्मिक रामायण, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किस रचनाकार ने किया था बताइए? कौन से वह रचनाकार हैं यहाँ पर आपके लिए बताना है, बताइएगा। सदा सुखलाल है, संगीता जी या फिर इंसा अल्लाह खां है, लल्लू लाल है या फिर सदल मिश्र है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 11 में आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? डी राइट आंसर है, सदल मिश्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, सदल मिश्र जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर 4, उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी वाला जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 पूछा गया है, हिंद, हिंदू, हिंदी आदि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 12वां क्वेश्चन है, आर्यों ने, ईसाइयों ने या फिर अगला विकल्प है यहूदियों ने या फिर मुसलमानों ने, बताइए चयन कीजिएगा। 4 विकल्प, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा,
कि हिंद हिंदू हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 12 में विकल्प नंबर डी यानी कि मुसलमानों ने विकल्प नंबर 4 जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर बताया है। ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है, कब मिलता है ये आपके लिए बता रहे, कब से मिलता है, 14वीं सती से, 10वीं सती से, 17वीं सती से या फिर 11वीं सती से। ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 में विकल्प नंबर जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि 14वीं सती से। बिल्कुल सही आंसर है नीतू जी, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है 14वीं सती से ब्रजभाषा गद्य का जो है आरंभिक रूप मिलता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, ये जो है गद्य पुस्तक है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, ये रचयिता बताना है, बताइए। अनुका जी क्या होगा सही राइट आंसर, नाभादास है, कवि गंगे, मुल्ला बजी या फिर प्रेम सागर। चंद छंद वर्णन की महिमा बताइए, ये गद्य पुस्तक मानी जाती है और इसके जो लेखक पूछा गया है वह कौन माने जाते हैं, तो 14 में आप सभी का सही राइट आंसर है कवि गंगे जी की, ये जो है पुस्तक मानी जाती है। बिल्कुल सही, इसके रचयिता है कवि गंगे, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, नाभादास जी की अष्टयाम जो रचना है पुस्तक है इसमें आपके लिए बताना है, कृष्ण के, विष्णु के, ब्रह्मा के या फिर राम, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 है और 15 का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि रामचंद्र जी के जो है दिनचर्या का इसमें वर्णन हुआ है, नाभादास जी की रचना है अष्टयाम, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति कौन सी मानी जाती है, उर्दू साहित्य की पूछा गया है आपसे, बताइए कुतुब मुस्तरी या फिर शिकारनामा या फिर सबरस या फिर तिलाबतुल वजूद। 16 का सही राइट आंसर बताइए, 16 में तनु जी, रीमा जी क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट सबरस आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, कुबलय माला कथा किसकी कृति है, बताइए कुबलय माला कथा बताना है, आंसर, और आप सभी का सही राइट, कुबलय माला कथा बताना है ये किसकी कृति है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में सही आंसर चयन करना है, तो 17 का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो एक है वह आपका सही राइट आंसर होगा, उद्योतन सूरी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, उद्योतन सूरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 दिया गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर, सिद्धों ने, जैनों ने या फिर गोरखपंथी योगियों ने या फिर आलवारों ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 में विकल्प नंबर सी यानी कि गोरखपंथी योगियों ने, विकल्प नंबर सी रोहिणी जी, सागर जी, आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर हो। सन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की है ये आपको बताना है, बताइए और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है,
और 19 का सही राइट आंसर बताना है ओपी सिंह जी, गीता जी। तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 19 में जो बी है वह आपका सही राइट आंसर है, मथुरा नाथ शुक्ल यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मथुरा नाथ शुक्ल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे ये आपके लिए बताना है, बताइए। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे ये आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 20 में आप सभी का विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, यानी कि आरा बिहार आप सभी का सही राइट आंसर है, आरा बिहार यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल विकल्प नंबर आपका एक जो है वह आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरा जुल आस्कीन के लेखक कौन है, बताइए। बिल्कुल क्लास जो है अटक अटक कर चल रही है, तो क्या है यहाँ पर सही आंसर ये आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 पूछा गया है और 21 का दिनेश जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा 21 में मेरा जुल आस्किन के लेखक पूछा गया है, जो कि ये जो रचना मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ख्वाजा बंदा नेबाज गेसूद राज आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नाशक के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइए। इतिहास तिमिर नाशक के लेखक क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और 22 का सही राइट आंसर बताना है, राजा शिवप्रसाद सितारी हिंद है, राजा लक्ष्मण से हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या फिर लल्लू लाल हैं। प्रिया सिंह जी बिल्कुल, और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर है 22 में विकल्प नंबर जिन्होंने एक चयन किया है उनका सही राइट आंसर है एक, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आप सभी का जो है सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका एक जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये जो है इतिहास तिमिर नाशक के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है, बताइए। चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और क्या होगा सही राइट आंसर, तो 23 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, अब अच्छे से जो है चलने लगी है, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 23 में, विकल्प नंबर जो आपका यहाँ पर एक है भाई आपका सही राइट आंसर है, हिंद भी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हिंद भी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा हो गया, 24वां क्वेश्चन है, राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ, बताइए। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ ये आपसे पूछा गया, एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लें, और क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का सही आंसर बताना है, चार विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा सही राइट आंसर, रिफ्रेश कर लें। बिल्कुल नीतू जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिनेश जी,
और आप सभी का सही राइट आंसर होगा राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ, ये पूछा गया है 24 में, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, 10वीं शताब्दी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा बी होगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है, ये आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, 25 में सभी लोग बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है, प्रेम सागर, इतिहास तिमिरनाशक, चंद छंद वर्णन की महिमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और सभी लोग बता रहे कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि चंद छंद वर्णन की महिमा वाला जो विकल्प है वह आपका सही राइट आंसर है। इसके लिए आचार्य शुक्ल जी ने खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। दौलत राम जैन द्वारा लिखित गद्य की पुस्तक आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, बताइएगा चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। और यहाँ पर रितेश जी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दौलत राम जैन द्वारा लिखित गद्य की पुस्तक आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्या है, तो विकल्प नंबर आपका 26 में जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, सेवक चरित्र यहाँ पर 26 में सही राइट आंसर होगा, तो सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है क्या देखिएगा 27वां क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके लिए बताना है, बताइए कौन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर। सुभाष जी बताइए, रानी केतकी की कहानी, ये तो सभी के लिए पता होगा, 27वां क्वेश्चन है और 27 में आप सभी का यहां पर सी राइट आंसर है, इंसा अल्लाह खां आप सभी का सही राइट आंसर होगा, इंसा अल्लाह खां आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। और अब जो है क्लास अच्छे से चल रही होगी, कमेंट में बताइए क्लास अच्छे से चल रही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखते हैं, 28वां क्वेश्चन पूछा गया है, निखरे हुए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है, यहाँ पर आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 28 का सही राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का केएम गीता जी, ज्योति जी, ऋतु प्रिया जी, आस्था जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल नीता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 28 में जो यहाँ पर दिया गया है 28 में सी वह आपका सही राइट आंसर होगा, प्रेम सागर, प्रेम सागर आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर प्रेम सागर जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 29 पूछा गया है, जो प्रेम सागर में प्रेम सागर है इसमें किसकी कथा वर्णित है, बताइए प्रेम सागर में बताना है, प्रेम सागर में किसकी कथा वर्णित है, श्रीमद भागवत पंचम स्कंद, श्रीमद भागवत नवम स्कंद, श्रीमद भागवत दसम स्कंद या श्रीमद भागवत चतुर्थ स्कंद। नेहा जी चयन कीजिएगा, सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर 29 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि श्रीमद भागवत दसम स्कंद ए वाला जो विकल्प है अनुका जी वह आपका यहाँ पर सभी का जो है सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। पोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में पहली नियुक्ति किसकी हुई,
तीसवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार, सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे, और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही राइट आंसर। पोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में पहली नियुक्ति किसकी हुई, और आप सभी का सही राइट आंसर है तीस में विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर आ रहा है, क्या रहा है राइट आंसर एक जो है आपका सही आंसर है लल्लू लाल, यहां पर सही राइट आंसर होगा लल्लू लाल, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर है, जो कि सभी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर बताया है संध्या पांडे जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की थी, संस्कृत प्रेस जो है इसकी स्थापना इंसा अल्लाह खान ने की थी, या फिर जॉन गिलक्राइस्ट, सजल मिश्र, या फिर लल्लू लाल, 31 का सही आंसर बताइए, 31 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की थी, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि 31 में जो विकल्प नंबर डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा लल्लू लाल, यहां पर सही आंसर लगा दीजिएगा, लल्लू लाल जी ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी, विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 32 पूछा गया, ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक सिंगार रसमंडन के रचनाकार आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, हरि जी है या फिर वैकुंठ मणि है, नावादास है, या फिर विठल नाथ है। ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक है सिंगार रसमंडन के रचनाकार बताना है आप सभी के लिए, और यहाँ पर सही राइट आंसर है विठल नाथ होगा सही राइट आंसर। सिंगार रसमंडन ये ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक मानी जाती है, और ये पुस्तक किनकी मानी जाती है, विठल नाथ जी की पुस्तक मानी जाती है, तो विकल्प डी जो है वह आपका सही आंसर होगा मुकेश जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आदिकालीन गद्य की रचना नहीं है, नहीं बताना है आपके लिए यहाँ पर कौन सी नहीं है बताइए, 33वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे, बताइए युक्ति जी, बबीता जी, आदिकालीन गद्य की रचना नहीं है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं है, वर्ण रत्नाकर नहीं है, कीर्तिलता नहीं है, या फिर इनमें से सभी, और 33 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कीर्तिलता, आदिकालीन गद्य की रचना नहीं मानी जाती है कीर्तिलता, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, कीर्तिलता होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है 34वां क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई है, इसकी शैली आपके लिए बताना है, इन दोनों विकल्प में से ही आपके लिए चयन करना है, उर्दू शैली या फिर हास्यात्मक शैली, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। रानी केतकी की कहानी जो है किस शैली में लिखी गई है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर 34 में जो बी है मैं आपका सही राइट आंसर होगा, यानी कि बी में हास्यात्मक शैली आप सभी का सही राइट आंसर है तनु जी, बी जिन्होंने भी चयन किया है, रानी केतकी कहानी ये जो शैली पूछा ये किस शैली में लिखी गई है, हास्यात्मक शैली आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है 35वां क्वेश्चन है, नासिकेतुपाख्यान का दूसरा नाम आपके लिए बताना है, नासिकेतुपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, उदयमान चरित है, चंद्रावती है, इन दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए, चार विकल्प हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर नासिकेतुपाख्यान, नासिकेतुपाख्यान इसका दूसरा नाम पूछा गया है, बहुत सारे लोग बता रहे कि चंद्रावती यहां पर सही राइट आंसर होगा, लगा देते हैं विकल्प नंबर डी में सही राइट आंसर चंद्रावती, नासिकेतुपाख्यान का दूसरा नाम है, विकल्प नंबर बी वाला जो है बी होगा सही राइट आंसर, बी जिन्होंने ही बताया उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
प्रमोद जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सकल मिश्र की भाषा की विशेषता आपके लिए बताना है, पूर्वीपन है, उर्दू की प्रमुखता है, सहज एवं प्रवाहमय भाषा है या फिर किस्सा गोई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सकल मिश्र की भाषा की विशेषता आपको बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 36 में जो यहाँ पर दिया गया है, एक भाई आपका सही राइट आंसर होगा यानी कि पूर्वीपन। यहाँ पर प्रियंका जी जो पूर्वीपन है वह आपका सही राइट आंसर होगा, सकल मिश्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा गया है, गिलक्राइस्ट के बाद पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन विलियम प्राइस की नियुक्ति कब हुई, बताइए। इनकी नियुक्ति आपके लिए बताना है, पोर्ट विलियम कॉलेज में पूछा गया हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में, तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और 37 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए दीपक गिरी जी। और 37 में आप सभी का सही राइट आंसर है, इनकी नियुक्ति हुई थी 1824 में, 1824 यानी कि विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर होगा, 1824 आपका सही राइट आंसर, 37 में विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जिन्होंने सी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा गया है, आर्फन प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई, बताइए। आर्फन प्रेस जो है इसकी स्थापना आपसे पूछा गया है इलाहाबाद में, बनारस में, मिर्जापुर में या फिर लखनऊ में, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा गया है और 38 का सही राइट आंसर बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जिन्होंने सी चयन किया है मिर्जापुर। आर्फन प्रेस की स्थापना हुई थी कहाँ पर, मिर्जापुर आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया अंश जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 39वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा, ये आपको बताना है किसने कहा है, ये कथन आपके लिए बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवार से आचार्य शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है और 39 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आचार्य शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये कथन जो दिया गया है आचार्य शुक्ल जी का ये कथन का माना जाता है, और जो राजा लक्ष्मण से किस भाषा के पक्षकार थे ये आपको बताना है, किस भाषा के पक्षकार माने जाते हैं, उर्दू निष्ठ हिंदी के या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी के, हिंदुस्तानी भाषा के या फिर खड़ी बोली हिंदी के, कौन, राजा लक्ष्मण सिंह, और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा यानी कि संस्कृत निष्ठ हिंदी, राजा लक्ष्मण सिंह जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा के पक्षकार थे, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का बहुत बढ़िया सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया अगला 41वां क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, धर्म सभा या फिर इंडियन सोसाइटी, किसका योगदान है ये बताना है, बताइए। हिंदी गद्य के विकास में पूछा है आपसे 41वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ममता जी और विवेक जी, सही राइट आंसर चयन करना है आप सभी के लिए और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो सबसे अधिक योगदान जो है आर्य समाज का रहा है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी के लिए पता है, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है कि आर्य समाज यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा के रूप में मिलता है, राजस्थानी भाषा, मराठी भाषा या फिर गुजराती भाषा या मैथिली भाषा, बताइए।
42वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आज आपका जो सही राइट आंसर है वह क्या है। और राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर राजन जी, विकल्प नंबर आपका 42 में जो दिया गया है यहाँ पर एक भाई आपका सही राइट आंसर है राजस्थानी भाषा। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप जो है किस भाषा के रूप में मिलता है, तो राजस्थानी भाषा के रूप में जो है मिलता है। विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया है बताइए, खड़ी बोली हिंदी में इसका जो है अनुवाद किया है, किन्होंने राजा लक्ष्मण से, राजा से प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र या फिर लल्लू लाल। 43वां क्वेश्चन और 43 में सही राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद इसका जो किया है किसने किया है, और 43 में बहुत सारे लोग बता रहे कि राजा लक्ष्मण से, यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण से, आप सभी का सही आंसर है। माधव बिलास के रचनाकार आपके लिए बताना है, माधव बिलास के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल है, सदल मिश्र है, इंसा अल्ला खां है या फिर सदा सुखलाल है। यहाँ पर ये थोड़ी से क्वेश्चन है जो ब्लैक हो गए यहाँ पर थोड़ी से, और यहाँ पर 44 में आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। तन्मय जी बिल्कुल, तो आप सभी का सही आंसर है कि माधव बिलास पूछा है, तो माधव विलास तो यहाँ पर ये माना जाता किसकी रचना मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका एक सही राइट आंसर है, माधव विलास की रचनाकार तो माने जाते हैं कौन, लल्लू लाल जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई बताइए, बनारस संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना पूछा है 1854 में, 1850 में, 1857 में या फिर 1851 में बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। और यहां पर आप सभी का सही राइट आंसर है बनारस संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना पूछा गया है 45 में, आपका एक सही राइट आंसर है 1854 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 40 पूछा गया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के समर्थक थे, ये आपके लिए बताना है, वह भाषा आपके लिए चयन करना है कौन सी वह भाषा थी जिसके समर्थक थे बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, लाइक अभी भी बहुत ही कम लोगों ने जो है लाइक किया है यहां पर, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहां पर सोचन राम जी बिल्कुल। विकल्प नंबर आपका यहां पर 40 में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है किस भाषा के समर्थक हैं ये पूछा गया था, तो विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर होगा। क्या है सही राइट आंसर, तो विकल्प नंबर 40 में पूछा है, तो 40 में आप सभी का बी यहां पर सही राइट आंसर होगा, बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही राइट आंसर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पूछा है, तो यहां पर विकल्प नंबर एक होगा सही राइट आंसर, आम फैमक्की भाषा आपका विकल्प नंबर जो एक है वह सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। भूगोल हस्तामलक के लेखक आपके लिए बताना है 47 में, आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। भूगोल हस्तामलक के लेखक आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया गया है 47 और 47 का आलोक जी सही राइट आंसर क्या होगा। और विकल्प नंबर आपका 47 में जो एक दिया गया है वह आपका सही राइट आंसर है, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आपका सही राइट आंसर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भूगोल हस्तामलक के लेखक पूछा गया है, और विकल्प नंबर एक आप सभी का जो है यहां पर सही राइट आंसर होगा। हिंदी को संस्कृत प्रांत में कचहरियों की भाषा कब माना गया बताइए। 48वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चार विकल्प दिए गए हैं और
क्या होगा सही राइट आंसर। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या है, सभी लोग चयन करेंगे। सभी लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है काले हो गए हैं, तो ब्राइटनेस आप लोग अपने मोबाइल की थोड़ी सी बढ़ा लें। और आपका यहाँ पर 48 में जो सही राइट आंसर है, हिंदी को संस्कृत प्रांत में कछहरियों की भाषा कब बनाया गया, 48 में एक राइट आंसर 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। अवध अखबार के विरोध में हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा किसने दी थी, हिंदी को बताना है, हिंदी को भद्दी बोली की जो संज्ञा दी थी गारसदा तासी ने दी थी, या फिर मौलवी करीमुद्दीन, या ग्रियसन, या फिर गिलक्राइस्ट, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। अर्थात 49वां क्वेश्चन पूछा गया है, अवध अखबार के विरोध में पूछा है हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा किसने दी थी, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 में विकल्प नंबर आपका जो एक है गारसदा तासी इन्होंने, तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है, पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिलक्राइस्ट थे, या फिर मार्क्वेस बेलेजली थे, सदल मिश्र थे, या फिर डलहौजी थे, बताइए पुष्पा जी क्या होगा सही आंसर। प्रीति जी, संजन और पूजा जी सही राइट आंसर बताना है, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का आप सभी का विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यहाँ पर बी जिन्होंने भी बताया है उनका होगा सही राइट आंसर। बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर और भी दिए गए हैं, ये जो है गद्य विधा से संबंधित, ये तो अपने यहाँ पर खत्म हो गए। अब अपन यहाँ पर जो उपन्यास है, उपन्यास विधा से विधा पर अपन यहाँ पर कल पढ़ेंगे, और अपनी यहाँ पर थोड़ी से क्वेश्चन ये रह गए थे, प्रगतिवाद और नई कविता से संबंधित क्वेश्चन थे, वह यहाँ पर देख लेते हैं कि समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा इसका सही राइट आंसर बताइए। 111 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और हाँ तन्मय जी वो पीडीएफ में ही जो है ब्लैक हो गई है वो पीडीएफ, अब यहाँ पर आप तो आपके जो है सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, समकालीन कविता का दौर जो है कब से शुरू हुआ ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल गुंजा राय जी, तो आप सभी का यहाँ पर 11 का जो सही राइट आंसर आ रहा है वह बी राइट आंसर होगा, 70 के दशक से जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक बहुत कोमल ताल के रचनाकार बताना, ये रचना किसकी मानी जाती है, ये आपको बताना है। 112वां क्वेश्चन है, लीलाधर मंडलोई हैं, बीरेन डंगवाल हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, या फिर एकांत श्रीवास्तव हैं। 112वां क्वेश्चन है, और 112 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो एक है वह आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, यानी कि कुमार जी जो लीलाधर मंडलोई हैं, एक बहुत कोमल ताल के रचनाकार माने जाते हैं, तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का मंडलोई सही राइट आंसर होगा, मंडलोई जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, अहिल्या नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। अहिल्या एक जो है प्रबंध कृति मानी जाती है, और ये कात्यायनी, इंदु जैन, अनामिका, या फिर प्रभा केतान, किसकी ये प्रबंध कृति है, ये आपसे पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्या राइट आंसर 13 में, तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर, प्रभा खेतान,
अहिल्या नामक प्रबंध कृति के रचनाकार माने जाते हैं, प्रभा खेतान जी मानी जाती हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा है, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर काव्य संग्रह किसका, ये काव्य संग्रह किसका है ये आपके लिए बताना है, इंदो जैन, सुनीता जैन, अनीता राकेश या फिर अनामिका, बताइए। 14वां क्वेश्चन है और कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर काव्य संग्रह पूछा गया है जो कि माना जाता है किनका, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर होगा, यानी कि इंदु जैन। इंदु जैन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, इंदु जैन का एक काव्य संग्रह माना जाता है कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है, विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। हथेली पर चांद नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का सही राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। हथेली पर चांद राकेश जोशी है, देवराज है, सुनीता जैन है या फिर कात्यायनी है, और 15 में सुनीता जैन बहुत सारे लोगों ने सी बताया है तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। हथेली पर चांद नामक काव्य कृति सुनीता जैन की मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देख लेते हैं, इला और अभिताप प्रबंध कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, देवराज हैं, राजेश जोशी हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, बोधिसत्व हैं। 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें, अभी भी बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया, जल्दी से एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है डॉक्टर देवराज। इला और अभिता प्रबंध कृति मानी जाती है डॉक्टर देवराज जी की। इतिहास हंता काव्य कृति के रचनाकार बताइए, चयन कीजिएगा कौन माने जाते हैं, विजय लक्ष्मी जी, नेहा तिवारी जी, ज्योति शुक्ला जी। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टमाटर जी, बिल्कुल इतिहास हंता काव्य कृति के रचनाकार बताना है। 17वां क्वेश्चन है, जगदीश चतुर्वेदी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, इतिहास हंता के रचयिता माने जाते हैं, एक काव्य कृति मानी जाती है किनकी, जगदीश चतुर्वेदी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपका। 18वां क्वेश्चन है, अपने खिलाफ एवं ठोर ठिकाना नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। 18वां क्वेश्चन है, इन दोनों विकल्प में से ही चयन करना है, स्नेहमयी चौधरी है या फिर कमल कुमार है। अपने खिलाफ और ठोर ठिकाना एक काव्य कृति के रचनाकार बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि इस काव्य कृति के रचनाकार 18 में जो विकल्प नंबर एक दिया गया है वह आपका सही राइट आंसर है, यानी कि स्नेहमय चौधरी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, साठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण है, क्या कारण है बताइए, राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता या फिर सपाट बयानी और बड़बोलापन या फिर सामाजिक यथार्थ की अतिशयोक्ति या फिर पराजय भावना और नैराश्य बताइए। वीके जी क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर है राजन जी, बिल्कुल। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 19 में जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, सपाट बयानी और बड़ बोलापन साठोत्री कविता में निषेधात्मकता का ये कारण माना जाता है, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 120 पूछा गया है कि मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो सभी से बन जाएगा बताइए, अंधेरे के पार, आशंका के दीप अंधेरे में या फिर आकाश का अंधेरा या फिर अंधेरे पर अंधेरा बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि क्या राइट आंसर,
तो बिल्कुल सही 120 में आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि शंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में कविता का जो है प्रकाशन पहले हुआ था आशंका के दीप अंधेरे में, फिर अंधेरे में जो है कविता का प्रकाशन नाम से इसका जो है प्रकाशन हुआ। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है, चौथा सप्तक इसका प्रकाशन वर्ष बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, प्रकाशन अज्ञेय जी द्वारा किया गया था, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। प्रीति जी, अंश जी, सरोज जी, देखिए चौथे सप्तक का पूछा है, प्रथम सप्तक जो है प्रथम सप्तक नहीं तार सप्तक 1943, द्वितीय सप्तक 1951, तृतीय सप्तक 1959, और जो चौथा सप्तक है इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। अज्ञेय जी द्वारा इन चारों सप्तकों का जो है प्रकाशन किया गया है, बिल्कुल सही राइट आंसर 1979 आप सभी का डी जो है सही राइट आंसर होगा। आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, 22वां क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे। मनोज जी बताइए, रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, और आप सभी का सही राइट आंसर है आ कविता आंदोलन की शुरुआत पूछा है कब से मानी जाती है, तो 122 में आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही राइट आंसर है 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी लगा दीजिएगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। मुक्ति प्रसंग के रचनाकार बताना है, सभी लोग बताएंगे मुक्ति प्रसंग के रचनाकार कौन है, जगदीश चतुर्वेदी है, अशोक वाजपेयी हैं, राजकमल चौधरी हैं, या फिर धूमिल हैं। 23वां क्वेश्चन, और 23 में आप सभी का सही राइट आंसर है, मुक्ति प्रसंग के रचनाकार पूछा है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 123 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है राजकमल चौधरी। आप सभी का बहुत बढ़िया सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। सुनीत जी बिल्कुल, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 24 पूछा है, युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक बताना है कौन है, सलभ श्री राम से है, श्रीकांत वर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, या फिर गंगा प्रसाद बिमल है, बताइए। युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है 24 में, सभी लोग बता रहे हैं, लवली जी, तनु जी, नीतू जी, की विकल्प नंबर यहाँ पर जो 24 है, 24 में जो ए है वह आपका सही राइट आंसर है। सलभ श्री राम से जो है युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का होगा। सपाट धरती की फसलें के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइए। गोविंद प्रसाद है, अश्व घोष है, कुमार अम्बुज है, या फिर ज्ञानेन्द्र पति है, बताइए। चार विकल्प, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सपाट धरती की फसलें के रचनाकार बताना है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि सपाट धरती की फसलें के रचनाकार माने जाते हैं 125 में, विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। बी यानी कि अश्व घोष आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, अश्व घोष यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर बी सभी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे पवन जी। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके यहां तक सबसे पहले जाए। बिल्कुल तन्मय जी और लवली जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नीतू जी, राम यादव जी और टमाटर जी, सागर कुमार जी, रीमा जी, अंश जी, शिल्पा जी, सुनीत सिंह जी और नीता कुमारी जी, सोचन राम जी, तनु जी, राजन जी, सरोज जी, सागर जी, ज्योति जी, सीमा जी, बीके जौनपुर जी और विजय लक्ष्मी जी, तन्मय जी, सागर जी, पूजा जी, पवन जी, नेहा जी, ममता जी, पायल जी, मदन जी और मनोज जी, बिंदु जी, नीतू जी और अनीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, कल्पना जी, टमाटर जी और नीता जी, तनु जी, युक्ति जी और नेहा तिवारी जी, सीमा देवी जी,
और सुनीत सिंह जी, छवि शंकर जी, ज्योति शुक्ला जी, अंश जी, सभी लोग जो है, राजन जी, अपनी क्लास रात में होती है, सभी लोग जुड़िएगा रात्रि में 10 बजे। गोलू यादव जी, मदन जी और सरोज रावल जी, संगीता जी, सोनी राय जी, मदन जी, तन्मय जी, सागर जी, विजय लक्ष्मी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी बिल्कुल, कुमार सौरभ जी और मनोज कुमार जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति शुक्ला जी, इसी तरह से जो है रोज सभी लोग जुड़िएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, ममता जी और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करके जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे आज के वीडियो में। बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभरात्रि और सभी के लिए रीमा जी, जय हिंद।